बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क स्टैंडर्ड के टॉपिक को पढ़ा था। इसके अंदर हमने इसकी दो टाइप्स डीजोर और डिफेक्टो की डिटेल्स देखी थी। इस लेक्चर में हम नेटवर्क से ही रिलेटेड अगला टॉपिक नेटवर्क मॉडल की डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों, नेटवर्क मॉडल क्या होता है? किसी भी नेटवर्क में दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान कैसा रिलेशन है, वो किस वे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है, इसको एक नेटवर्क का मॉडल कहा जाता है। नेटवर्क मॉडल्स तीन तरह के होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल और हाइब्रिड मॉडल। दोस्तों आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है और क्लाइंट भी एक कंप्यूटर ही होता है। आप सोच रहे होंगे जबकि दोनों कंप्यूटर्स हैं तो फिर इन्हें अलग अलग नाम क्यों दिए गए? तो दोस्तों, एक नेटवर्क होता है जिसमें बहुत से कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं। उस नेटवर्क में एक या फिर एक से ज्यादा कंप्यूटर सर्वर कहलाते हैं और बाकी तमाम कंप्यूटर क्लाइंट्स। अब सर्वर होता क्या है? ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि अपनी रिसोर्सेस को, अपने पास मौजूद चीजों को शेयर करता है, बांटता है बाकी तमाम कंप्यूटर से जो के इसके साथ कनेक्ट होते हैं। इसी के नाम से पता लग रहा है कि सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज। दोस्तों अब ये रिसोर्सेज कोई हार्डवेयर भी हो सकती है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कोई सॉफ्टवेयर भी, कोई डाटा या फिर फाइल भी, या फिर कोई स्टोरेज भी। तो दोस्तों जब ये तमाम कंप्यूटर्स इस सर्वर से ये रिसोर्सेज मांगते हैं तो सर्वर इन तमाम कंप्यूटर्स को वो तमाम रिसोर्सेस जो कि क्लाइंट्स को चाहिए होती हैं, जो कि इन कंप्यूटर्स को चाहिए होती हैं, वो प्रोवाइड करता है। क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स उस सर्वर से चीजों को लेते हैं, इसीलिए सर्वर को बहुत पावरफुल और हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड बनाया जाता है। हाई स्पीड बनाने के लिए इसमें प्रोसेसर्स की तादाद बढ़ा दी जाती है और हाई कैपेसिटी के लिए इनमें मेमोरी और हार्ड डिस्क की स्पेस ज्यादा कर दी जाती है। इस हाई स्पीड और कैपेसिटी की वजह से ही सर्वर्स अपने अंदर बहुत सा डाटा महफूज कर सकता है और फिर उसे प्रोसेस भी कर सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद होता है जिसके जरिए ये डाटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन को क्लाइंट्स को देता है। सर्वर ना सिर्फ डाटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, बल्कि एक नेटवर्क में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। मींस कौन सी रिसोर्स किस कंप्यूटर को देनी है। दोस्तों सर्वर में मौजूद तमाम चीजें उससे जुड़े हुए तमाम कंप्यूटर्स शेयर नहीं कर सकते, बल्कि सर्वर के पास तमाम राइट्स मौजूद होते हैं कि कौन सी रिसोर्सेस किन किन क्लाइंट्स को देनी है और कौन सी रिसोर्सेस को क्लाइंट्स को नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वर के पास 1000 फाइल्स हैं, तो उनमें से कौन सी फाइल्स क्लाइंट से शेयर करनी है और कौन सी फाइल्स को क्लाइंट से शेयर नहीं करना, ये तमाम डिसीजंस सर्वर लेता है। दोस्तों ना सिर्फ ये डिसीजंस लेता है, बल्कि इसके अलावा दो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर वन जो कि जिसको कोई फाइल चाहिए जो कि कंप्यूटर टू के पास मौजूद है, तो कंप्यूटर वन डायरेक्ट उससे यानी कंप्यूटर टू से वो फाइल नहीं ले सकता, बल्कि पहले उसे सर्वर से रिक्वेस्ट करनी होगी और फिर सर्वर ही उस कंप्यूटर टू से फाइल उस कंप्यूटर वन को देगा। तो दोस्तों इसीलिए सर्वर सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी एक कंप्यूटर में, एक नेटवर्क में मौजूद जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन तमाम एक्टिविटीज को ये सेंट्रलाइज्ड सर्वर कंट्रोल करता है। अब सर्वर को सेंट्रलाइज्ड बनाने का फायदा क्या होता है? सोर्सेस को अलग अलग कंप्यूटर्स में डालने की जरूरत नहीं होती, ना सिर्फ आप अपना वक्त बचा सकते हैं बल्कि एक भारी कीमत भी बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस में 20 लोगों को प्रिंटर चाहिए, तो अलग अलग प्रिंटर खरीदना और लगाना एक भारी लागत का काम है, तो एक या एक से ज्यादा प्रिंटर सर्वर के साथ लगा दिए जाते हैं और तमाम कंप्यूटर्स उस सर्वर से कनेक्ट हुए होने की वजह से उस प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि कीमत में ज्यादा होते हैं, उन्हें भी सर्वर्स पर रख दिया जाता है और तमाम कंप्यूटर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से सर्वर को सेंट्रलाइज बनाने के जरिए आप अपनी बहुत सी
रकम और बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। दोस्तों इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि आप गूगल के ब्राउजर पर कुछ लिखते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? गूगल के सर्वर के पास, इसके पास तमाम डेटा मौजूद है। अब सर्वर का काम क्या है? जो डेटा सर्विसेज उसके पास मौजूद हैं, उन्हें आपको देना यानी यूजर को देना। लेकिन एक वक्त में हजारों लोग गूगल पर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, गूगल पर सर्चिंग कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं ट्रैफिक, यानी बहुत से लोग एक ही चीज को एक्सेस करना चाहते हैं। और सर्वर का काम होता है इस ट्रैफिक को कंट्रोल करना, कि अगर बहुत से लोग सर्वर से एक ही चीज मांग रहे हैं तो सर्वर को किसको पहले रिसोर्स देनी है और किसको बाद में, तो ये तमाम कंट्रोल्स भी सर्वर ही करता है। ये तो हो गया सर्वर, अब आइए क्लाइंट्स की बात करते हैं। दोस्तों क्लाइंट्स यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट क्या होता है? ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि इंटरफेस प्रदान करता है यूजर यानी आपको, कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्विसेज की जो कि सर्वर के पास मौजूद है। मींस क्लाइंट का काम होता है मेक रिक्वेस्ट। जब भी क्लाइंट को कोई डेटा, फाइल, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर का काम होता है उस रिक्वेस्ट को पूरा करना। मींस क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है, प्रोसेस का आगाज करता है, उसको इनिशिएट करता है, वो है क्लाइंट। वो किस तरीके से करता है? बाय सेंडिंग द रिक्वेस्ट। इसीलिए क्लाइंट एक वीक कंप्यूटर होता है, मेमोरी वगैरह भी सर्वर की निस्बत बहुत कम होती है। तो दोस्तों ये था क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट सर्वर मॉडल का फायदा क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर सेंट्रलाइज्ड होता है, मीन तमाम डेटा एक जगह होता है, तो अलग अलग कंप्यूटर को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती बल्कि सिर्फ एक सर्वर को सिक्योरिटी दी जाती है। इसके अलावा भी डेटा भी क्योंकि एक जगह मौजूद होता है और उसका कंट्रोल भी सर्वर के पास होता है, तो डेटा को प्रोटेक्ट करना भी आसान होता है, डेटा को महफूज करना भी आसान होता है। के साथ साथ ये हाई स्पीड होता है क्योंकि सर्वर एक वक्त में हजारों रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी के साथ तमाम रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में अपग्रेडेशन करना भी आसान होती है, तमाम कंप्यूटर्स पर अलग अलग अपग्रेडेशन करने के बजाय सिर्फ एक सर्वर को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। दोस्तों इस स्मॉल नेटवर्क के लिए बनाया गया मॉडल नहीं है बल्कि ये हजारों की तादाद में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए ये अब नेटवर्क का बेसिक मॉडल बन गया है। जैसे कि ईमेल, वेब ब्राउजर्स, यूट्यूब वगैरह सब यही मॉडल पर ही काम करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल सर्वर पावरफुल होने की वजह से एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि इसे हाई प्रोसेसिंग चाहिए होती है, इसके लिए इसे मल्टी कोर प्रोसेसर्स की जरूरत होती है जो कि सिंगल कोर के निस्बत महंगे होते हैं। इसी तरीके से हाई कैपेसिटी के लिए हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी की स्पेस भी ज्यादा चाहिए होती है, जो कि एक भारी लागत का काम है। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल एक एक्सपेंसिव मॉडल है। इसके अलावा सर्वर एक बहुत हाई कैपेसिटी हाई प्रोसेसिंग मशीन होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये था क्लाइंट सर्वर मॉडल। अगला मॉडल है पीयर टू पीयर मॉडल। दोस्तों पीयर टू पीयर मॉडल में पीयर के मायने है वन हु इज इक्वल इन स्टैंडिंग विद अदर, मींस तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और हम रुतबा होते हैं। जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर के पास तमाम रिसोर्सेज होती है, वो एक बड़ा कंप्यूटर होता है, जबकि छोटे छोटे क्लाइंट्स कंप्यूटर उससे कनेक्ट होते हैं, उससे अपनी रिसोर्सेज को लेते हैं। तो मींस सर्वर और क्लाइंट्स का रुतबा एक जैसा नहीं होता, सर्वर के पास राइट्स ज्यादा होते हैं बनिस्बत क्लाइंट्स के, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में तमाम कंप्यूटर्स का एक ही स्टेटस होता है। मींस तमाम कंप्यूटर सर्वर भी हो सकते हैं और तमाम कंप्यूटर्स क्लाइंट्स भी। फॉर एग्जांपल एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तो यहाँ अगर कंप्यूटर वन को कंप्यूटर टू से कोई डाटा चाहिए होगा तो उस वक्त कंप्यूटर वन क्लाइंट का काम करेगा और कंप्यूटर टू सर्वर का, यानी यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर फिक्स नहीं होते,
इसीलिए किसी का किसी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो किसी एक कंप्यूटर की कैपेसिटी और स्पीड हाई नहीं होती, बल्कि तमाम कंप्यूटर्स की स्पीड, स्टोरेज और राइट्स एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है? ऐसा नहीं होता कि अगर कंप्यूटर वन को कोई फाइल चाहिए, उसने कंप्यूटर टू से ले ली। पहले दोनों कंप्यूटर्स को अपने अपने कंप्यूटर में पेयर टू पेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, जिसकी वजह से एक वर्चुअल नेटवर्क बन जाता है, जिसमें वो एक शेयर्ड फोल्डर के जरिए आपस में रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। ये स्मॉल नेटवर्क्स जैसे कि होम और ऑफिसेस, जहां मैक्सिमम 20 कंप्यूटर्स हो, वहां सही काम करता है। और जैसे जैसे कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ती है, ये स्लो होने लग जाता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये स्लो क्यों होता है? अगर एक कंप्यूटर वन है, वो अपना कोई काम कर रहा है और किसी दूसरे और तीसरे कंप्यूटर यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर्स की रिक्वेस्ट आ गई कि उन्हें कोई डेटा या फिर फाइल्स चाहिए, तो जो कंप्यूटर वन अपना काम कर रहा होता है उसमें खलल आएगा, जिसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जितने ज्यादा कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में मौजूद होंगे, उतने ही ज्यादा उसके स्लो होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा ये क्लाइंट सर्वर की तरह सिक्योर नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट सर्वर के अंदर सिर्फ सर्वर की साइट पर हमें सिक्योरिटी फराहम करनी होती है, डेटा को सिक्योर करना होता है, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में तमाम कंप्यूटर्स के अंदर यानी तमाम कंप्यूटर्स में अलग अलग डेटा मौजूद होता है, तो इसको अलग अलग सिक्योर करना एक डिफिकल्ट काम होता है, एक मुश्किल काम होता है। इसी तरह क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर अपग्रेडेशन करना आसान होती थी, क्योंकि आपको सिर्फ एक सर्वर पर अपग्रेडेशन करनी होती थी, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में अगर कोई एक चीज अपग्रेड होगी तो वो तमाम कंप्यूटर्स में अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इसकी अपग्रेडेशन भी मुश्किल होती है। लेकिन इसके फायदे क्या है कि क्लाइंट सर्वर की तरह एक्सपेंसिव नहीं होता। क्यों? कि इसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स का एक स्टेटस होता है, किसी को हाई स्टोरेज या फिर हाई कैपेसिटी की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा ये मॉडल सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि हर एक यूजर अपने कंप्यूटर को खुद मैनेज करता है, इसीलिए किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत भी नहीं होती। तो ये दो इसके एडवांटेजेस थे। इसके बाद जो अगला मॉडल है वो है हाइब्रिड मॉडल। तो दोस्तों, हाइब्रिड क्या होता है? ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें एक से ज्यादा नेटवर्क्स मौजूद होते हैं, यानी इसमें पेयर टू पेयर और क्लाइंट सर्वर दोनों एक साथ काम करते हैं। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप किसी स्मॉल ऑफिसेस को के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू इथरनेट केबल, यानी ये केबल के जरिए आप उनको कनेक्ट करते हैं, जिसमें आप पेयर टू पेयर मॉडल यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, केबल से कनेक्ट करने का फायदा ये होता है कि इसके जरिए ट्रांसमिशन रेट हाई होता है, यानी ये बहुत तेजी के साथ काम करती है। लेकिन अब वाईफाई का जमाना आ गया है और आपको इंटरनेट से अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो आप उसके अंदर क्लाइंट सर्वर मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी आप अपने पास एक हाइब्रिड नेटवर्क, एक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर आप दो मॉडल्स पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाइब्रिड मॉडल कौन सा मॉडल होता है कि अंदर एक से ज्यादा नेटवर्क मॉडल्स मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने ये जाना कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है और इसकी टाइप्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल और हाइब्रिड मॉडल किस तरीके से काम करते हैं और इनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगले लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज की डिटेल्स देखेंगे।